हाँ, ये मैंने बस कभी आईफोन नहीं चलाया, दिला दो। तुम कभी माँ भी नहीं बनी हो, बना दो। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग के पास बहुत ही भारी भरकम और काफी हार्ड ओमेगल वाला वीडियो बहुत ही धमाकेदार मैं आप लोग के पास दिखाने वाला हूँ, पेश करने वाला हूँ। जिसका वीडियो है उसका नाम है दिलीप राणा का। उसका जो वीडियो होता है ना भाई, काफी हिंदी में होता है और काफी अधिकतर वो हिंदी में होता है, लेकिन बहुत ही मजेदारी होता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ कि गाइस, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के पास लाता रहूंगा और आप लोग को इंटरटेनमेंट कराता रहूंगा। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं दिलीप राणा जी का वीडियो। तो लेट्स गो हैव फन। और ये रहा हमारा ईयरफोन्स, मैं अपने कानों में इसे डाल लेता हूं बिना बकचोदी के। लेट्स गो हैव फन। हाँ, मैंने कभी आईफोन नहीं चलाया, दिला दो। तुम कभी माँ भी नहीं बनी हो, बना दो। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन 12 बजे कोई इतना रेडी हो, कौन बैठता है 12 बजे रात? लड़की पटाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। चीज वो लड़की नहीं, औरत। औरत क्यों? आपके एज के लिए तो औरत लगेगी ना। हाँ, तुम दोनों भी औरत ही लग रही मेरे को, पढ़ जा फिर। औरत लग रहे हो बट है तो नहीं। अच्छा, बना देते हैं फिर। इतनी लाइंस, वाह वाह वाह। मेरा फेवरेट नंबर क्या? तुम्हारा 9 होगा। हाँ, है ना? मेरा 6 है। सच में आपकी आवाज बहुत क्यूट है, लगता है मैं ऐसे सुनता रहूं। अच्छा, ऐसा करो नंबर दे दो, ठीक है, मैं बाद में सुनता रहूंगा। अच्छा, हम लोग की एज बता दो। ये 26 की लग रही है, आप 28। प्लीज 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 फ्रेंड, क्या हुआ? अच्छा नहीं था क्या? हम 28 के होंगे, जो 28 लाख के बच्चे पैदा हो के बड़े भी हो जाएंगे। वो तो अभी भी कर लो, अभी भी हो जाएंगे। अरे यार। अच्छा, ये एक चीज लो, ये ठीक है। वो होना चाहिए, वो लड़कों में वो सबसे पहले होना चाहिए, अमीर। ठीक है, और बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें एक लड़के में? लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। हम कैसे मान ले, हम कैसे मान ले? नहीं, मेरे को नहीं। मेरी भी तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं, यही बातें तो बाद में याद आती। तुम्हें सरोजनी का सब कुछ दिलाऊंगा, इसका नंबर दो। भाई नंबर नहीं, पहले स्नैप होता है, फिर इंस्टा होता है, फिर नंबर होता है। नंबर सीधा किसी भी लड़की से मांगना मन, बहुत गाली खा लेंगे। हम लड़कों से मांग लो, हम तो कभी भी दे देंगे। गाना कब बजता है पता है? कब? शादी होता है। जब शादी होता है, सही बात है। करो फिर गाना बजाते हैं फिर बाद में। लड़कों के दिमाग में हमेशा वही घूमता रहता है क्या? आंसर हाँ। हाँ हाँ, एकदम एकदम।
चीज बोलू, चटनी चटनी। आज से हम दोनों पति पत्नी। आप लोग सबसे पहले लड़के में देखती क्या हो? लड़के में, लड़के में, लड़के लड़के में उसके चेहरा, चेहरा हाइट, चेहरा होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, होना चाहिए शक्ल, शक्ल, शक्ल और हाइट। शक्ल मैं पता लड़कियों में क्या देखता हूँ? हाँ क्या ही देख सकते हो, एक ही तो दो, एक दो ही तो चीज है सामने पीछे, और आप लोग का दिमाग उससे ज्यादा नहीं चल सकता, आप लोग नहीं चल सकता। हमारी तो सिर्फ अभी तक शक्ल ही देख रहे हो फिर। हाँ तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तुम्हारी शक्ल देख सकता हूँ तुम दोनों की। गुड गुड वेरी गुड, भगवान करे जल्दी आपकी महिला मित्र बने बहुत जल्दी। और कुछ देखने लायक है नहीं? देखने लायक है तो बड़ी चीज है, आपको दिखाने की, दिखाने का इंटरेस्ट है ये किसने बोला? अच्छा ऐसा भी होता है क्या? जब लड़के तरफ से रिश्ता के लिए जाते हैं लड़की के पास तो उनका हाथ ही, लड़की का हाथ ही क्यों मांगते हैं? पूरी की पूरी लड़की मांगनी चाहिए है ना, ये तो मेरा भी क्वेश्चन है। है कि नहीं? है ना, हाथ इसलिए मांगते होंगे कि फिर लड़की अगर पसंद ना आए तो फिर हाथ का इस्तेमाल हो जाए। कितने शानदार विचार रखते हैं। बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि लड़के का हाथ थक जाते हैं ना। सो वेयर डू यू स्टे, किधर से हो आप? मैं गेस करूं कहां से हो सकता हूं? मेरे दिल से। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा छोटा जगह नहीं है वहाँ पे, मैं फिट हो जाऊंगा। आपके लिए अकेले के लिए जगह है, इसमें से फिट हो जाए। अच्छा देख लो, बाद में मेरा दिल नहीं तोड़ना। मैं अच्छी बच्ची, मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। अब तो बनाओगी ना? मैं डायरेक्ट हस्बैंड बनाऊंगी। हाँ ये सही है, मैं भी, मेरे को भी वाइफ चाहिए, गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मैं एक्चुअली हस्बैंड मटेरियल हूँ। इतनी खुशी, पक्का डन? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही धमाकेदार था, आपको पता ही होगा दिलीप राणा की वीडियो काफी फाड़ हुआ था गाइस, तो मुझे सबसे बेस्ट लगा अभी न्यू अभी फिलहाल डाले हैं तो काफी धमाकेदार है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय झारखंड।